साइंस कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे, उसके आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में यात्रा करती है। भारी पानी का जो रासायनिक नाम है वो डाइट्यूरियम ऑक्साइड है, D2O से संबोधित करते हैं इसको। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में मछली, यकृत तेल, अंडा तथा दूध उत्पाद होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप है वो सूखा बर्फ है। पेट्रोल के कारण पानी में लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील है, तो पेट्रोल ऊपरी सतह पर आ जाता है और जलते रहता है। ओजोन स्तर हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। स्टेनलेस स्टील जो होता है ये एक मिश्र धातु है, इसमें लोहा, निकल और क्रोमियम तीनों का मिश्रण होता है। शक्ति का मात्रक यूनिट वाट है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सबसे छोटी और पतली रुधिर वाहिका केशिका कहलाती है। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होते हैं। पक्षियों में पंखों का काम होता है शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना, मीन्स शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। कौन सा पौधा फल नहीं देता है लेकिन बीज पैदा करता है? तो देखिए, ऐसे पौधों को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इसमें आपको पाइनस है, साइकस है, शकुआ जो होता है, सिकुआ भी इसे कहते हैं, ये दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष भी होता है। एक मोटर वाहन के पीछे की चीज दिखलाने वाला दर्पण, मीन्स जो पीछे के दृश्य को दिखाता है, उत्तल दर्पण होता है। रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स, विटामिन की और कैल्शियम खनिज सहायता करती है। नींबू में मुख्य रूप से सिट्रिक एसिड होती है। वास्तविक सूर्योदय के कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगते हैं, यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। बाईसिनोसिस बीमारी क्या होती है? तो ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। फेफड़े के अंदर रेशेयुक्त धूल चले जाने से सांस लेने में दिक्कत होती है, ये बाईसिनोसिस है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है। पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? तो जस्ता और तांबा है। कांसा के निर्माण में टीन और तांबा का प्रयोग होता है। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सबसे अधिक होती है? तो आर्गन है। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होता है? तो क्लोरीन की कमी के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ है ग्लूकोज, पानी, ऑक्सीजन। मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए, आईना और लेंस अपोजिट काम करता है, यह लेंस है तो अवतल लेंस होगा। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में प्रसिद्ध खोज की थी? तो ये आर्किमिडीज है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर लाइका है। लाइका नामक कुतिया थी जो अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी, ये पहली जानवर है। स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तदाब के मापन के लिए होता है। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट या तंतु होता है टंगस्टन का होता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। स्टेट PCS UPSC जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन में। फिलहाल BPSC 70वीं स्पेशल कड़ी चल रही है और आज पूरे दिन हम लोग साइंस करने वाले हैं। साइंस के जितने NCERT के सोर्सेज हैं वहाँ से सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट में जा करके BPSC 70वीं से जुड़े जो वीडियो है जरूर देख लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन 0 होते हैं जबकि ओजोन में 3 होते हैं। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल बनता है। तंबाकू में निकोटीन उपलब्ध होता है। परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में माना जाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम के ऊपर लागू नहीं होता है। वनस्पति तेल को घी में बदलने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है और इसमें NIPD PT इनमें से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। कुछ दिनों तक खुले में रखने पर चांदी की बनी वस्तु किस कारण काली दिखाई देती है? तो ये सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है। पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है।
शुद्ध जल जो है वो विद्युत का खराब चालक होता है, मतलब कुचालक होता है। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता में, तीव्रता को जो मापा जाता है वो डेसिबल में मापते हैं। एस्टर में जो गंध होती है वो मीठी गंध होती है। ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट किसके उपचार करते हैं, तो ये आँखों का। पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। क्वथनांक फारेनहाइट में 212 डिग्री होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो ये उबालकर दूर किया जाता है। आज पूरे दिन हम लोग साइंस को करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वहाँ हम लोग कोशिश करेंगे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को और भी कम समय में आपके लिए ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल कराएं। आज पूरे दिन में हम लोग साइंस को एनसीईआरटी के जितने भी पुस्तक है सभी को कवर करने वाले हैं। चैनल पे बने रहिएगा और एक अच्छा सा नोट्स आपके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। आपका रिविज़न भी बहुत अच्छे तरह से होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।